जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे रसायन विज्ञान के 2022 का मॉडल पेपर, और ये पेपर आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो पूरा सॉल्यूशन आप जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा बहुविकल्पीय, इसको आप बोलते हैं मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है, षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है। तो इसका पहला ऑप्शन है CDS, दूसरा है NaCl, तीसरा है CU और चौथा है KNO3। कई सारे लोगों ने, अगर हम बोले 80% लोगों ने इसमें NaCl पर क्लिक किया हुआ था, इसको उन्होंने सही ऑप्शन माना था। लेकिन इसका सही ऑप्शन है CDS, ये षटकोणीय आद्य क्रिस्टल का उदाहरण है। खा वाला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है। तो राइट आंसर है परासरण दाब, ये क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गा वाला। ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया एक ही है इसमें, और वो जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है वो लंबी चौड़ी ज़्यादा नहीं होती है। तो सबसे छोटी इसमें है H2+Cl2=2HCl। अगर आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ी होगी तब भी आपको ये याद होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2+Cl2=HCl। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज में कितने प्रारंभिक अल्कोहलिक समूह होते हैं। तो राइट आंसर है ग्लूकोज में 2 अल्कोहलिक समूह होते हैं, ठीक है। अगला पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हैलोफॉर्म अभिक्रिया देता है। तो राइट आंसर है RCOCH3, ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर है। ये थे आपके पहले पांच बहुविकल्पीय प्रश्न। इनको अगर आप कॉपी में लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको इस तरह से लिखना है, आप ऊपर डालेंगे प्रश्नोत्तरांक एक, ऐसे कुछ यहाँ पर देखेंगे आप इस कॉपी में, ऐसे आप लिखेंगे अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तरांक नंबर एक। इसका मतलब है कि आप प्रश्नोत्तरांक नंबर एक हल कर रहे हैं। अगर आप का लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पर काले इसके हिस्से का, और इस तरफ आप लाइन जरूर खींचेगा, जो इसे खींचते हैं ऐसे लाइन मारते हैं, आप नीले इसके हिस्से मारते हैं तो नीले इसके हिस्से एक या दो लाइन आप इधर खींच सकते हैं। इस साइड में आपको यहाँ पर लाइन नहीं खींचनी है, एक ही साइड में आपको लाइन खींचनी है। और जो जैसे आप पहला का, इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है तो आप लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर एक, ऊपर हेडिंग डालेंगे, पहले का आप एक लिखकर जो ऑप्शन है वो उसको लिख देंगे। उसके बाद जैसे दूसरा खा है, खा में चौथा सही है तो आप लिखेंगे खा, यहाँ पर देखेंगे खा में चौथा सही है, आप लिखेंगे खा और खा में चौथा ऑप्शन आप सही कर देंगे। इसी तरह से जैसे गा में यहाँ पर तीसरा सही है तो आप लिखेंगे गा और गा के सामने जो ऑप्शन सही है उसको लिख देंगे। इसी तरह से पांचों क्वेश्चन के आप आंसर लिख देंगे। इस तरह से आप लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक एक के आंसर, और एक से दूसरे में दो लाइन का गैप होना चाहिए। जैसे आपने यहां पर डाला प्रश्नोत्तरांक नंबर एक, फिर आप दो लाइन छोड़कर का डालेंगे, फिर दो लाइन छोड़कर खा डालेंगे, दो लाइन छोड़कर गा डालेंगे। इस तरह से आपको लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्नोत्तरांक दो की तरफ। दूसरा क्वेश्चन इधर मिलेगा और यहाँ पर एक चा वाला भी ऑप्शन है। तो चा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या बनता है, तो आइसोसाइनाइड बनता है, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यही सारे क्वेश्चन आपको इधर मिल जाएंगे इंग्लिश वर्जन में, अगर आप इनको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल इसको आप ऐसे देख लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है ठोस में बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है, ठोस में बिंदु दोष के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। अब जैसे एक इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, आपको केवल इतना पता है कि शॉटकी दोष होता है, फ्रैंकल दोष होता है, तो अगर आप शॉटकी और फ्रैंकल दोष लिख कर आएंगे तो दो में से एक नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें ठोस में जो दोष हैं उसके प्रकार क्या होते हैं, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो ठोस में मुख्यतः तीन प्रकार के बिंदु दोष होते हैं, ठीक है। जो दोष का हमारा पहला प्रकार है वो है रस समीकरण मितीय दोष, दूसरा है अरस समीकरण मितीय दोष, और तीसरा है रिक्तिका दोष। ये तीन मुख्य प्रकार होते हैं। शॉटकी फ्रैंकल इसमें अंतर्गत आता है, और इसी प्रकार दोनों के अंतर्गत कुछ दोष आते हैं जिनको हम अभी आगे डिफाइन करेंगे। दो नंबर का क्वेश्चन है तो आप सबके बारे में हो सके तो एक से दो लाइन जरूर लिखिएगा, तभी आपको दो नंबर मिलेंगे। पहले हमने लिख दिया ठोस में बिंदु दोष मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, रस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष और रिक्तिका दोष। अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिखेंगे, तो इसके बारे में लिखेंगे तो ये देखेंगे, पहले हम हेडिंग डालेंगे रस समीकरण मितीय दोष। अब रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसको हम थोड़ा जूम करते हैं। अब आप देखेंगे तो रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है, इस दोष के अंतर्गत शॉटकी और फ्रैंकल दोष आते हैं, उदाहरण ZNS, AGBR आदि। उदाहरण इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां पर उदाहरण सहित बोला है, क्या बोला, उदाहरण सहित। तो रस समीकरण मितीय दोष के उदाहरण ये हो गए। अरस समीकरण मितीय की परिभाषा लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, तो इसकी परिभाषा है इस प्रकार के दोष में
धातु आधिक तथा धातु न्यूनता दोष आते हैं, जैसे FEO, NEO आदि। रिक्तिका दोष के अंतर्गत इसमें रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाते हैं, उदाहरण NaCl, KCl आदि। ठीक है, अब आगे आते हैं प्रश्नोत्तरांक दो के खा की तरफ, और ये क्वेश्चन है आपका, परासरण तथा विसरण में उदाहरण सहित अंतर बताइए। यानी उदाहरण भी बताना है परासरण का और विसरण का, और इन दोनों में अंतर भी बताना है। तो पहले हम अंतर बता देते हैं, फिर उदाहरण हम लिख देंगे। दो नंबर में है, कम से कम चार आपको अंतर बताने पड़ेंगे। तो पहला अंतर है हमारा, हम हेडिंग डाल देंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर दो का, उसके बाद बारी बारी हम सारे इसमें क्या कहते हैं अंतर लिख देंगे। हमने पहला अंतर लिखा है, परासरण में पदार्थ के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, जबकि विसरण में पदार्थ के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। ये पहला अंतर है इसका। अगर हम आगे आएंगे तो आगे आपको इसमें कुछ और अंतर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये हमारा दूसरा आंसर है या दूसरा अंतर है, परासरण की क्रिया एक दिशीय होती है जबकि विसरण की क्रिया चारों दिशाओं में होती है। तीसरा है, परासरण की क्रिया केवल द्रवों में होती है जबकि विसरण की क्रिया ठोस, द्रव तथा गैस में भी होती है। परासरण की क्रिया, या चौथा है, परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है जबकि विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ये चार आपके हो गए अंतर। अब आपसे उदाहरण पूछा है, इन चारों अंतरों में हो सकता है आपको एक से डेढ़ नंबर मिल जाएंगे और आधा नंबर उदाहरण में मिलेगा। उदाहरण देखेंगे हम परासरण का, पादप में यानी पौधे में जड़ से जब पानी सोखता है तो वो शीर्ष तक पत्तियों में लेकर जाता है उस पानी को, तो ये हो गया आंसर आपका परासरण का उदाहरण। और विसरण का उदाहरण होता है अगरबत्ती की घर में फैलना, अगरबत्ती की जो खुशबू होती है, यहाँ पर खुशबू रहेगा, अगरबत्ती की खुशबू का घर में फैलना, ये हो गया इसका उदाहरण। आगे हम देखेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर दो का गा, ये क्वेश्चन है हमारा, विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इसमें भी आपको कम से कम चार अंतर बताने पड़ेंगे क्योंकि दो नंबर का क्वेश्चन है। अंतर बताना है, उदाहरण नहीं देना है इसमें, क्योंकि केवल बोला है कि विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर देखते हैं, प्रश्नोत्तरांक नंबर दो का गा है, हमने हेडिंग डाल दिया प्रश्नोत्तरांक नंबर दो का गा, उसके बाद हमने हेडिंग डाला विशिष्ट एवं मोलर चालकता में अंतर, ये हमारी हेडिंग पड़ गई। अब देखेंगे पहला अंतर क्या होता है, विशिष्ट चालकता किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम कप्पा बोलते हैं, कप्पा बराबर 1/ρ, कप्पा बराबर C(L/A), ये हो गया आपका विशिष्ट चालकता। और मोलर चालकता क्या है आपका, किसी वैद्युत अवघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें पदार्थ के 1 ग्राम अणु घुला हो, पदार्थ का कितना 1 ग्राम अणु घुला हो, उस चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं, इसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। फिर से हम इसको पढ़ रहे हैं, आप एक बार देखिएगा, मोलर चालकता किसी वैद्युत अवघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें पदार्थ का 1 ग्राम अणु घुला हो, उस पदार्थ की मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, इसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और म्यू का सूत्र होता है κ/B, या कप्पा बराबर κ × 1000 बटे c बराबर म्यू, ये इसका होता है सूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा दो का घा, और ये क्या बोलता है, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं, प्रत्येक के एक उदाहरण दीजिए। इसमें आपको ये भी बताना है कि इसमें अंतर क्या है और उदाहरण भी बताना है। तो पहले हम अंतर देखते हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर, इधर हमने लिखा है द्रव स्नेही कोलाइड, इधर हमने लिखा है द्रव विरोधी कोलाइड। अब द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जल के, या हम कह सकते हैं विलायक के, वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर कोलाइड विलयन आसानी से बना लेते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। और द्रव विरोधी कोलाइड क्या है, वे पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर विलयन नहीं बनाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। पहला आंसर है, इसमें कोलाइड विलयन बन जाएगा, विरोधी में कोलाइड विलयन नहीं बनेगा। अगर दूसरा हम देखेंगे, इसमें अधिकांश विलेय कार्बनिक होते हैं, और इसमें अधिकांश विलेय जो पदार्थ है, विलेय यानी कि जो पदार्थ जल से या विलायक से मिल रहा है, इसमें कार्बनिक होते हैं, इसमें अकार्बनिक होते हैं। अगला है हमारा क्या हो गया, इसमें पदार्थ के कणों को नग्न आंखों से देखना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें कोलाइड विलयन बन चुका है, द्रव स्नेही में कोलाइड विलयन बन चुका है, इसलिए कणों को देखना मुश्किल होता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा द्रव विरोधी कोलाइड है, इसमें
कणों को आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि विलेय नहीं बनता है, विलेय विलायक अलग अलग रहते हैं जिससे दोनों दिखाई देने लगते हैं। अब चौथे में आप उदाहरण लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है भैया हमको उदाहरण भी चाहिए, एक एक उदाहरण चाहिए। तो द्रव स्नेही कोलाइड जल एवं चीनी का विलयन और द्रव विरोधी कोलाइड जल और बालू का विलयन। बालू के विलयन में कोई मिश्रण नहीं बन रहा है और जल के विलयन में और शरबत हमारा बन जा रहा है, ये हो गया हमारा कोलाइड द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा हो गया, तीसरे का देखते हैं। और इसके पहले ये सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में दिए गए हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तीसरे का है 58.1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए और ये क्वेश्चन है दो नंबर का। 58.1 ग्राम NaCl की मात्रा दी गई है, इसमें इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप अच्छे से हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्योंकि दो नंबर का है ये, तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ये जरूर लिखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है, ये आप अवश्य लिखेंगे। आपने इन दोनों को लिख दिया, समझ लीजिए कम से कम आधा नंबर मिल गया। हल लिखा और हल गलत कर दिया तब आपका एक नंबर मिल गया, और आपने तीनों चीज़ें सही लिख दी तो आपको पूरा दो में से दो मिल गया। तो सबसे पहला स्टेप है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, चाहे वो मैथ में आया हो, फिजिक्स में आया हो या केमिस्ट्री में आया हो। पहले हम ये लिखेंगे दिया क्या है, फिर हम लिखेंगे ज्ञात क्या करना है, फिर उसका हल लिखेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि NaCl की मात्रा दी गई है 58.1 ग्राम। यहाँ पर देखेंगे 58.1 ग्राम NaCl, ठीक है, 58.1 ग्राम NaCl, तो NaCl की मात्रा 58.1 ग्राम है। ज्ञात क्या करना है, 58.1 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या। इसको हमने अपने मन से नहीं लिखा है, ये हमें इसी क्वेश्चन में दिया गया है, और दिया है ज्ञात करना है, ये दो स्टेप्स लिखने के बाद आपको नंबर आसानी से मिल जाते हैं, इसीलिए इनको आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम हल कर देंगे, हल करने पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.495 × 10^23, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का खा क्वेश्चन देखते हैं, का आंसर क्या आ गया, का आंसर आ गया हमारा 1.495 × 10^23, ये हो गया। अब खा वाला देखेंगे, ये बोल रहा है निम्नलिखित उप सहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। पहला है हमारा NiCO4 और इसका IUPAC नाम बताना है, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से देखेंगे हम, NiCO4 का टेट्राकार्बोनिल निकिल जिंकेट, टेट्राकार्बोनिल निकिल जिंकेट ये हो जाएगा। और K2ZnOH4, क्या K2ZnOH4 का क्या हो जाएगा, इसको हम इस पेज पर देख लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। K2ZnOH4 इसका होता है हमारा पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड आयन, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड आयन, ठीक है। अगला हम देखते हैं प्रश्नोत्तरांक 3 का हम गा देखते हैं, ये बोल रहा है 3 का गा वाला यहाँ पर है आपका क्वेश्चन, ये बोल रहा है मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है इसमें। तो पहले हम देखेंगे मानव शरीर में प्रोटीन का कार्य, फिर देखेंगे प्रोटीन के विकृतीकरण, ठीक है, ये क्या होता है। तो पहली चीज़ हम हल करते हैं, इसमें बोला गया है कि एक नंबर आपको दिया जाएगा प्रोटीन का कार्य बताने पर और एक नंबर दिया जाएगा प्रोटीन के विकृतीकरण को बताने पर। तो हम पहला देखते हैं, ये है हमारा प्रोटीन के कार्य, हम हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 3 का, यहाँ पर देखिएगा ये हमारा प्रश्नोत्तरांक नंबर 3 यहाँ पर, और 3 का हम गा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने डाला प्रश्नोत्तरांक 3 का। पहले हम डालेंगे प्रोटीन के कार्य क्योंकि हमको कार्य बताना है। अब कार्य क्या क्या होते हैं प्रोटीन के, पहला कार्य होता है प्रोटीन जैव द्रव्यमान के संश्लेषण में सहायक होता है, दूसरा कार्य है शरीर के विभिन्न तंतुओं का निर्माण करता है, तीसरा कार्य है हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, और प्रोटीन का चौथा कार्य है शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत एवं मृत कोशिकाओं को साफ करना, ये इसके कार्य हो गए। आगे हम देखते हैं, यहाँ तक अगर आपने 4 पॉइंट लिख दिए इसमें तो एक नंबर इसमें आपको मिल गया। अब एक नंबर आप ये लिखेंगे तब आपको मिलेगा। तो विकृतीकरण क्या होता है, विकृतीकरण ये होता है जब प्रोटीन को जल में गर्म करते हैं तो इसका अवक्षेपण हो जाता है, यानी प्रोटीन जमने लगती है, इसके विकृत जो जल में जब इसका अवक्षेपण हो जाता है, जम जाती है जो हमारी प्रोटीन है, तो जमी हुई प्रोटीन को हम विकृत प्रोटीन कहते हैं, यह प्रक्रिया प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए अंडे को उबालने पर सफ़ेद भाग का जमना, जो अंडा होता है अंडे को उबालोगे तो उसमें जो सफ़ेद प्रोटीन होती है वो जम जाती है, तो जमना यानी अवक्षेपण हो जाना, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ से,
तीन का गा हो गया और तीन का घा बोल रहा है, गैर धातु क्या है इसके गुण लिखिए। तो गैर धातु क्या है पहला क्वेश्चन है, इसका गुण लिखना है ये दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आपको एक नंबर मिलेगा और इसमें गुण लिखने पर एक नंबर मिलेगा। तो आप इसमें परिभाषा तो लिखेंगे लेकिन कम से कम तीन गुण आप जरूर लिखेंगे। कम से कम कितने गुण, एक नंबर के लिए तीन गुण का लिखना जरूरी है, दो नंबर के लिए चार गुण या चार अंतर को लिखना जरूरी है। तो पहले हम देखेंगे परिभाषा फिर देखेंगे इसके गुण। तो परिभाषा क्या है हमारी, क्या कहती है, वे तत्व जो विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं उन्हें गैर धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए H2O2SI, ठीक है, सिलिकॉन H2O2 और SI। और अगर हम गैर धातु अधातु के गुण देखेंगे तो इनमें कोई चमक नहीं होती है, इनमें तन्यता का भी गुण नहीं पाया जाता है, ये सब गुण हैं गैर धातु के। इनमें लचीलापन नहीं होता है और ये विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यहाँ पर हमने चार गुण लिखे हैं, चार गुण लिखेंगे तब तो एक नंबर कन्फर्म है, लेकिन तीन लिखेंगे तब भी आपको एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। चौथे का क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ तक आपने देखा ये हमारे गैर धातु क्या है इसके गुण लिखे, ये तीसरे का घा चार क्वेश्चन था, आठ नंबर का चारों क्वेश्चन मिलाकर थे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चौथे पर आएंगे, इससे पहले आपको यही सारे क्वेश्चन इंग्लिश में मिल जाएंगे। और चौथे पर आप आएंगे तो चौथा एक है हमारा, क्या है ये है हमारा आंकिक प्रश्न। निम्नलिखित शेर का 298 केल्विन ताप पर नर्स समीकरण ज्ञात कीजिए एवं ईएमएफ की गणना कीजिए। दो नंबर का क्वेश्चन है पूरा ये ना, दो ही नंबर का तो है, हाँ दो नंबर का क्वेश्चन है। तो दो नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी तीन नंबर का क्वेश्चन है। आपको इसमें आधा नंबर मिलेगा, किसमें आधा नंबर मिलेगा, समीकरण ज्ञात करने पर यानी डेढ़ नंबर, और डेढ़ नंबर मिलेगा ईएमएफ ज्ञात करने पर। तो हमने बोला कि आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर वो आंकिक है, वो चाहे मैथ का हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, किसी का भी हो, तो उसमें आप अगर अच्छे नंबर पाना है, आंसर गलत लिखने के बावजूद भी अच्छे नंबर पाना है, तो आपको लिखना पड़ेगा दिया है और ज्ञात करना है, दिया है और ज्ञात करना है, ये आपको लिखना पड़ेगा अगर आंसर गलत होने के बावजूद अच्छे नंबर पाना है तो। ठीक है, अब हम देखेंगे पहली चीज जो इसमें दिया गया है। तो दिया क्या गया है कि सेल का तापमान 298 केल्विन है, तो हमने लिख दिया दिया है सेल का तापमान 298 केल्विन। ज्ञात क्या करना है, पहला नर्स समीकरण ज्ञात करना है और दूसरा ईएमएफ की गणना करनी है। पहला ज्ञात करना है, पहला नर्स समीकरण और दूसरा ईएमएफ की गणना करनी है, हमने ऐसा लिख दिया। दोनों को लिखने के बाद हम हल लिखेंगे, हल में आपका सेल का समीकरण ये दिया गया है तो आपका नर्स समीकरण ये हो जाएगा इसमें, और जो सेल का ईएमएफ है ईएमएफ आ जाएगा 0.35135, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा सेल का ईएमएफ। इसी तरह अगर हम दूसरे का कोई देखेंगे, हमने इसमें क्या कर लिया, नर्स समीकरण भी ज्ञात कर लिया और ईएमएफ की गणना भी कर ली। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आपको बताना है टिंडल प्रभाव क्या है और वैद्युत कर संचलन क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी हैं और दोनों चीज़ें आपके लिए आसान हैं, इन दोनों चीज़ों को आपने पढ़ा हुआ है बहुत पहले से ही। तो हम देखते हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, दोनों जैसे किसी क्वेश्चन में हम दो चीज़ बता रहे हैं तो हम हेडिंग जरूर डालेंगे कि हम क्या चीज़ पहले बता रहे हैं, नहीं तो इसमें नंबर कट जाते हैं अगर आप देखेंगे तो। तो हम देखेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर चार का हम हल कर, खा वाला क्वेश्चन हल कर रहे हैं, हम डालेंगे प्रश्नोत्तरांक चार का खा, हमने हेडिंग डाल दी। अब पहले हम हल करेंगे टिंडल प्रभाव, तो हमने हेडिंग डाल दी टिंडल प्रभाव। अब हमने यहाँ पर टिंडल प्रभाव लिख दिया। अगर आपको उदाहरण पाना है, सॉरी नंबर पूरे पाना है तो, और अगर आपको उदाहरण याद है तो आप लिख दीजिए, उदाहरण लिखने से नंबर पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन टिंडल प्रभाव वाला। तो जब कोलाइडी, जब प्रकाश की किरण पुंज यानी प्रकाश की रोशनी किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरती है तो कणों के, तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी जब लाइट हमारे पास आए और हमें रास्ता पता चले कि किस तरफ से लाइट आ रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का टिंडल प्रभाव कहेंगे। जैसे कि उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है टिंडल प्रभाव। जैसे कि बंद कमरे में, कमरा चारों तरफ से बंद है, आप एक खिड़की खोल देंगे और जब उस खिड़की से धूप आती है तो धूल के कणों से वो दिखाई पड़ता है कि यहाँ से फोकस मारकर ये लाइट आ रही है, लेजर लाइट की तरह दिखाई पड़ता है खिड़की से आता हुआ प्रकाश, यानी प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देता है। इसीलिए इस तरह के हम घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का टिंडल प्रभाव। वैद्युत कण संचलन क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो ये है कि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कण अपने मार्ग से, फिर से एक बार हम देखते हैं, थोड़ा इसमें डिस्टर्ब हो गए, तो ये है आपको ये आई थिंक पूरा दिखाई दे रहा होगा। तो वैद्युत कण संचलन क्या है, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कण अपने मार्ग से अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं। ठीक है, मार्ग यहाँ पर नहीं है,
जब वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो कोलाइडी कण हैं, कोलाइडी कण जो हैं जो किसी कोलाइड में मिलकर बिलयन बनाए रहते हैं, तो वो कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करते हैं, तो इस घटना को हम वैद्युत कण संचलन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यू आकार की नली लीजिए, उसमें AH2 और H3 को आप क्या करें, इसमें PE इलेक्ट्रोड लगा दें, या आप सिंपल सा हम बता रहे हैं सोडियम किसी मतलब कोई आप वो लीजिए क्या कहते हैं जल लीजिए, उसमें NaCl डालिए, फिर उसमें आप इलेक्ट्रोड लगाएंगे तो आप देखेंगे Na दूसरी तरफ भाग रहा है माइनस की ओर, Cl प्लस की ओर भाग रहा है, तो अपने से विपरीत आवेशित कणों की ओर गति करना ही क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन कहलाता है। प्रश्नोत्तरांक 4 का गा हम देखते हैं, एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो इसका हम आंसर देखेंगे, एमीन पहले हम देखेंगे, पहले क्या पूछा है, एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। एक नंबर यहाँ पर मिलेगा और दो नंबर इन सभी को लिखने पर आपको मिलेगा, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा। तो एमीन किसे कहते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जो अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जो अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होते हैं एमीन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए CH3NH2, C2H5NH2 आदि, ठीक है। प्राथमिक एमीन क्या होता है, अब हम पहले बताएंगे एमीन क्या है, फिर बताएंगे प्राथमिक एमीन क्या है। प्राथमिक एमीन को हम 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं। तो प्राथमिक एमीन वे एमीन जिनमें NH2 समूह उपस्थित होता है, वे प्राथमिक या 1 डिग्री एमीन कहलाते हैं। यहाँ पर एक NH2 समूह होगा, कितना, वे क्या कहते हैं, नहीं सही है, एक नहीं रहेगा, वे एमीन जिनमें NH2 समूह उपस्थित होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, कई लोग बोलते हैं भैया आप पहले खुद पढ़ लीजिए उसके बाद आप हमें पढ़ाइए, अगर इतनी लंबी वीडियो बनानी है जो 20 30 40 मिनट की है, कभी आप ट्राई कीजिएगा, वैसे मोबाइल लीजिएगा, कोई आप कॉपी रखिएगा, जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता हो उस टॉपिक की वीडियो आप अपने मोबाइल पर बनाइएगा, आप देखेंगे कि जिस टॉपिक को आप 10 से 15 बार पढ़ चुके हैं उस टॉपिक को भी आप मोबाइल में गलत पढ़ा रहे हैं। तो अभी तो हम पूरा पेपर ही सॉल्व करा रहे हैं, तो पेपर सॉल्व कराने में कहीं पर दिक्कत होती है, लेकिन आप ये विश्वास मानिए कोई आंसर आपको हम गलत नहीं बताएंगे, जो गलत है उसको रिपीट करके हम सही आपको बता देंगे, ठीक है। हम देखते हैं, प्राथमिक एमीन वे एमीन जिनमें NH2 समूह उपस्थित होता है उसे प्राथमिक या 1 डिग्री एमीन कहते हैं। उदाहरण के लिए CH3NH2। द्वितीयक एमीन क्या होता है, द्वितीयक एमीन है हमारा वे एमीन जिनमें NH समूह, ठीक है, ऊपर NH2 था वो प्राथमिक था, जिसमें NH समूह उपस्थित होता है उन्हें द्वितीयक या 2 डिग्री एमीन कहते हैं। उदाहरण के लिए CH3CH3NH, ये इस तरह से आप उदाहरण लिखेंगे। तीसरा आपको पूछ रहा है तृतीयक एमीन क्या है, तो तृतीयक एमीन क्या होता है उसको हम यहाँ पर देखते हैं, वे एमीन जिनमें N समूह उपस्थित होता है उनको हम तृतीयक या 3 डिग्री एमीन कहते हैं। उदाहरण के लिए CH3CH3CH3 और N, ये है NH2 रहेगा तो जो 1 डिग्री रहेगा, NH रहेगा तो 2 डिग्री रहेगा, और केवल N रहेगा तो 3 डिग्री रहेगा। चौथे का घा है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर, और चौथे का घा है फेहलिंग विलयन क्या है, ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है, समीकरण भी दीजिए। पहले हम बताएंगे फेहलिंग क्या है, इसका एक नंबर मिलेगा, फेहलिंग विलयन क्या है इस पर एक नंबर मिलेगा, ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर क्या परिवर्तन पड़ता है इस पर एक नंबर मिलेगा, 2 नंबर हो गए, और तीसरा नंबर मिलेगा जब हम समीकरण देंगे ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर क्या होता है, तो तीनों पर एक एक नंबर आपको मिलेंगे। पहले हम लिखेंगे फेहलिन विलयन क्या है, इसको हम बताएंगे, समान आयतन में CuSO4, यानी समान आयतन यानी एक जितना CuSO4 मिलाएंगे उतना इसमें हम रोसले लवण भी मिलाएंगे, ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे, समान आयतन में CuSO4 विलयन तथा रोसले लवण के क्षारीय विलयन का, फिर से, समान आयतन में CuSO4 तथा रोसले लवण के क्षारीय विलयन का मिश्रण फेहलिंग विलयन कहलाता है, इसका अणुसूत्र CuO होता है, इसका अणुसूत्र CuO होता है। एक नंबर हमारा मिल गया, अब हम बताएंगे ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर क्या होता है, हमने क्या लिख दिया CHO और CHOH का फोर हो जाएगा, C2OH हो जाएगा, इसमें हम 2 CO जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या बन गया, ग्लूकोनिक अम्ल बन गया,
ऐसे आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर, ऐसा लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे फेहलिंग विलयन को ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर ग्लूकोनिक अम्ल तथा रेड पीपीटी प्राप्त होता है, ऐसा लिखेंगे, उस पर एक मिलेगा। फिर इसको लिखेंगे तो इस पर भी एक नंबर आपको मिलेगा, ऐसा आपको लिखना है, तीनों आपको नंबर मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, यही सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश वर्जन हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित समीकरण दीजिए। यूरिया का एक विलयन भार अनुसार 6% है, इस विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, यूरिया का अणुभार दिया गया है 60 होता है। पहले क्या पूछा गया है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग में जाएगा, ये आप नोट करके रखिएगा। पहले पूछा गया है मोल प्रभाज क्या है, तो हम पहले मोल प्रभाज बताएंगे, हमने बोल दिया क्या, यहाँ पर देखेंगे मोल प्रभाज क्या है, पहले प्रश्नोत्तरांक नंबर 5 का कार्ड डालेंगे, फिर हम लिखेंगे मोल प्रभाज। विलेयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलेयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को विलेयन का को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे कि अब इसमें विलेय या हम विलायक बोले हैं, तो अगर विलेय का मोल प्रभाज है तो ऊपर विलेय के मोलों की संख्या रहेगी और नीचे विलेयन के मोलों की संख्या रहेगी। विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो ऊपर विलायक की जो मोल है उसकी संख्या रहेगी और नीचे विलेयन की मोलों की संख्या रहेगी, तो इसीलिए एक ही में ही आपको कन्वर्ट करना है। तो आप लिख सकते हैं विलेयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलेयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को के या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर रहेगा फिर से विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। चलिए, पहला एक नंबर हमारा ये फिक्स हो गया इतने में। अब दूसरा क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोल रहा है कि विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन में संबंध समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमारा आ गया, इसमें हम हेडिंग डालेंगे जो समीकरण पूछा है, और ये हमारा आ गया इसमें समीकरण। ठीक है, एक ऊपर मिला था, एक नंबर यहाँ पर मिल गया, 2 नंबर हो गए। तीसरे नंबर पर बोला है एक आंकिक प्रश्न आपसे, आंकिक प्रश्न आप हल करेंगे, और आंकिक प्रश्न में हम बोल रहे हैं आपको कि आपको गलत आंसर लाकर पूरे नंबर या अच्छे नंबर पाने हैं, तब आपको 2 चीज लिखना पड़ेगा, दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है, उसके बाद ही आप हल करेंगे। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, इधर लिखा हुआ है, इसमें आ जाएगा यूरिया का मोल प्रभाज 0.018 और जल का मोल प्रभाज 0.98 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और ये क्वेश्चन है, अभी आपने कौन सा क्वेश्चन देखा, ये वाला देखा मोल प्रभाज वाला। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 5वें का खा, पहला हमने हल कर लिया, ये है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में क्या कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 100 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, अभी पहले क्या बताना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन आप पढ़िएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर रहेगा आपसे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें पूछी जाएंगी। तो पहला इसमें बोल रहा है अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप बताएंगे अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर, इसमें आपको मिलेंगे 2 नंबर, तो 2 नंबर के लिए कम से कम 4 आपको अंतर बताने पड़ेंगे। पहले का हम डालेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 5 का खा, अब हम देखेंगे इसमें अंतर क्या है। तो आणविकता क्या होती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, और कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की गति को व्यक्त करने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। फिर दूसरा अंतर है आणविकता क्या होती है, आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, क्योंकि आपने पढ़ा है शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा है आपका अंतर, आणविकता एक पूर्णांक संख्या होती है, और इसमें तीसरा अंतर है कोटि जो अभिक्रिया की कोटि है वो पूर्णांक के साथ साथ भिन्न संख्या भी हो सकती है। ठीक है, चौथा है अभिक्रिया को देखकर आणविकता का मान पता चल जाता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि प्रयोग द्वारा निकाली जाती है, आप किसी भी अभिक्रिया को देखकर उसकी कोटि का मान नहीं बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें अगला क्या पूछा गया है, 2 नंबर हमारा हो गया कहाँ तक, यहाँ तक, अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर हमारा क्वेश्चन हो गया प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक की गणना करनी है।
तो हमने आपको बताया कि किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको लिखना है दिया है और ज्ञात क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे हल, और हल करेंगे तो हमको वेग स्थिरांक का मान पता चल जाएगा कितना। वेग स्थिरांक के का मान, स्मॉल के का मान क्या है हमारा, आ जाएगा ये 6.93 × 10⁻³ पर सेकेंड, ये हमारा वेग स्थिरांक है। प्रश्नोत्तरांक पाँच का हमने का हल कर लिया और खा हल कर लिया। अब हम आएंगे प्रश्नोत्तरांक पाँच के गा पर। यह है, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं तथा संक्रमण धातुएं एवं इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। दोनों को बताना है, दोनों को बताना है। पहले पर दो मिलेगा, दूसरे पर दो नंबर मिलेगा। तो पहले हम बताएंगे संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संक्रमण धातुएं और उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं, क्योंकि संक्रमण तत्वों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण कोणीय संवेग तथा कक्षीय वेग से संबंधित होता है। ये पहला कारण है कि संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय क्यों होती हैं, ठीक है। और दूसरा का क्या है इसमें, दूसरा कारण है, पाँचवें का गा ही हम सॉल्व कर रहे हैं, हाँ पाँचवें का गा ही है, ये पहले का है, तुमने पहला डाला, ये पहले का है। ये इसलिए ये बता रहा है कि जो संक्रमण धातु हैं और उनके अधिकांश यौगिक हैं वो अनुचुंबकीय क्यों होते हैं। अब दूसरा हमने यहाँ पर लिखा है, और दूसरा ये बताएगा कि संक्रमण धातु हैं और इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य क्यों करते हैं। तो कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि संक्रमण धातुओं के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, फलस्वरूप इनमें मुक्त संयोजकताएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण इनकी क्रिया करने की दर बढ़ जाती है, जिसके कारण संक्रमण धातुएं और इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जब क्रिया करने की दर बढ़ जाएगी, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, तो उत्प्रेरक का कार्य करने लगेंगे, जाहिर सी बात है। पाँचवें का खा हम देखेंगे, दो नंबर मिलेगा, लिगेंड की परिभाषा देनी है और उदाहरण भी देना है। दो नंबर मिलेगा, संयोजकता आबंध सिद्धांत आपको बताना है, तो इसको हम देखेंगे। और ये पांचवें का घा है, और ये बोल रहा है लिगेंड क्या होता है। पहले हम लिगेंड देखेंगे। उपसह संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजी बंध बनाने वाले समूह को लिगेंड कहते हैं। उपसह संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजी बंध बनाने वाले समूह को लिगेंड कहते हैं। उदाहरण अगर आप देखेंगे, H2O NH3 आदि क्या है, हमारे लिगेंड हैं। और दूसरा आपको बताना है संयोजकता बंध सिद्धांत, तो इसमें हमने तीन सिद्धांत लिखे हैं, इसको हम BBT भी बीच ब्रैकेट में कहते हैं, उसको बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत को शॉर्ट में। तो पहला सिद्धांत क्या है, लिगेंड के प्रभाव में धातु परमाणु या आयन अपने N-1 × D NS-NP अथवा NP-ND कक्ष का उपयोग संकरण के लिए कर सकते हैं। ये है सिद्धांत पहला नंबर एक, संकरण के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ये संकरित कक्षक उन लिगेंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म बंधों के लिए दान कर सकता है, ठीक है। जो लिगेंड हैं, जो एक संकरित कक्षक हैं, उन लिगेंड कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म बंधों के लिए दान कर सकता है, यानी जो अपनी चीज छोड़ेगा उसी से ये संकरित होंगे। अगला है हमारा, इसमें दूसरा जो नियम है किसका, संयोजकता बंध सिद्धांत का। केंद्रीय धातु परमाणु डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यौगिक के संकरण तथा ज्यामितीय अनुसार पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं, या BBT के अनुसार या संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर संकुल यौगिक के चुंबकीय व्यवहार से इसकी ज्यामितीय ज्ञात की जा सकती है। और इसका तीसरा सिद्धांत है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, जिन लोगों ने इसको पढ़ा है इस सिद्धांत को, वही इस सिद्धांत को समझ पाएंगे। संकुल के निर्माण में संकरण में कक्षक 3D प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। फिर से, संकुल के निर्माण में संकरण में 3D प्रयुक्त होते हैं, तो संकुल आंतरिक कक्षक संकुल कहलाता है, ठीक है। जब संकुल का निर्माण होता है तो संकरण में जब 3D कक्षक प्रयुक्त होता है, तो 3D प्रयुक्त होने पर हम बोलेंगे कि जो संकुल है वो आंतरिक कक्षक संकुल है, और यदि संकरण में 4D कक्षक प्रयुक्त हो रहा है तो हम बोलेंगे जो संकुल है वो बाह्य कक्षक संकुल है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये हो गया ये पांचवें का घा वाला क्वेश्चन। यही सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में हैं यहाँ तक।
अब हम पांचवा हो गया हमारा, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल के विरचन विधि लिखिए, इसके दो प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। तो प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं ये आपको लिखना है, उसके बाद इसके दो प्रमुख गुण एवं उपयोग भी लिखना है। इतनी चीज़ें आपको करनी है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप ये कीजिएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रयोगशाला में बनाने की विधि लिखिए, क्योंकि ये गलत हो जाएगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो हम पहले का छठवें का करेंगे। तो छठवें का क्या क्या का क्या है, नाइट्रिक अम्ल बनाना है। तो अम्ल कैसे बनेगा नाइट्रिक, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो ये कैसे बनेगा, प्रयोगशाला में सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्राप्त होता है, और इसका सूत्र है NaNO3 प्लस H2SO4 HNO3 प्लस NaHSO4। यहाँ से हमें HNO3 प्राप्त हो गया, ये इसका सूत्र है। इसके गुण हम लिखेंगे और उपयोग लिखेंगे, दो चीज़ आप जरूर लिखेंगे। तो गुण है, क्षारों से क्रिया कराने पर यह लवण और जल प्राप्त होता है। इसमें क्षार NaOH हमने क्रिया कराई, ये लवण मिल गया, ये हमें जल मिल गया। सल्फर से क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। सल्फर से हमने क्रिया कराई, ये S है, 5 नहीं है, S है ये, और हमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मिल गया। इसके उपयोग लिखेंगे तो कम से कम 4 से 5 हमें लिखना है, 4 कम से कम लिखना है, उससे ज़्यादा आप लिख सकते हैं। तो उपयोग में या प्रबल आक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग होता है, अम्लराज बनाने में होता है, उर्वरक के निर्माण में होता है, विस्फोटक के निर्माण में होता है, और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। इतना लिखना काफ़ी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसमें जो इसका निर्माण की विधि है इसमें आप और ज़्यादा लिख सकते हैं। और फिलहाल आपको कम से कम 2 गुण लिखना है और 4 उपयोग जरूर लिखना है। ऐसा करेंगे तभी नंबर मिलेगा, अगर उपयोग और गुण आप छोड़ देंगे नंबर आपको नहीं मिलेगा, ये आप याद रखिएगा। चौथे का का हो, छठवें का हो गया। छठवें का खा क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, इनमें क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, एल्कोहलों के विरचन विधि की कोई दो, एल्कोहलों को बनाने की विरचन विधि की कोई दो विधि लिखिए। ठीक है, पहले क्या पूछा है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, 1 नंबर। इनके क्वथनांक उच्च क्यों होते हैं, 2 नंबर। और यहाँ पर इसमें 2 क्या पूछा गया है, बनाने की विधि, इसमें 2 नंबर, तो 5 नंबर हो गए। पहले हम बताएंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, तो क्या है हम देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर इसका आंसर है, और ये है वे एल्कोहल जिनमें केवल एक हाइड्रिक समूह या OH समूह उपस्थित होता है, उसको हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। उदाहरण के लिए CH3OH, CH3CH2OH आदि। अब हमने क्या बोला कि हमें दूसरी चीज़ क्या बताना है, दूसरी चीज़ बताना है कि इनके क्वथनांक क्यों उच्च होते हैं। तो क्वथनांक क्यों उच्च होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में सामान्यतः हाइड्रोजन बंध होता है जिन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके क्वथनांक उच्च होते हैं। अब इसमें विरचन विधि क्या है, बनाने की 2 विधियाँ लिखनी है। पहले हमने लिख दिया कौन सी, हैलो एल्केन से इसको बना सकते हैं और एल्डिहाइड के अपचयन से बना सकते हैं। क्रिया आप देख सकते हैं, क्रिया आप याद भी कर सकते हैं, आसान है याद करना। अगला हम देखेंगे सातवां क्वेश्चन, सातवें में 2 क्वेश्चन है, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, यह अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है समझाइए। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पूछ लिए हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में आता नहीं है, अगर आपके सिलेबस में होगा तब भी नहीं आता है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे, अगर ये हमको पता हो तो इसमें लिखना कम पड़ेगा, अगर आपको आता है तो आप केवल समीकरण लिख दीजिए 5 नंबर में, 5 लाइनों में हर सभी का, और आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और ये किसी को, मुझे मेरे हिसाब से 80% लोगों को नहीं आ रहा होगा जो पेपर देने गए हैं। तो हम देखेंगे सातवें का हम कर रहे हैं और अथवा वाला कर रहे हैं, तो हम पहले को प्रश्नोत्तरांक डालेंगे, प्रश्नोत्तरांक सातवें का, फिर हम लिखेंगे अथवा, और जितने भी इसमें हैं उसको हम लिख देंगे समीकरण, क्योंकि इसमें बोला है कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला समीकरण है 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन का, दूसरा समीकरण है बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल का, तीसरा है मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड का, चौथा है एथिल क्लोराइड से एथेनॉल का, और पांचवा है मेथिल आयोडाइड से एथेन का। ये 5 समीकरण आपके हैं। उसके बाद सातवें कक्षा हम देखेंगे, और ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, फार्मेल्डिहाइड, यहाँ से प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड बनाने की रासायनिक समीकरण सहित इसकी विधि लिखिए, क्या होगा जब फार्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, 2 नंबर मिलेगा विधि लिखने पर, 1 नंबर मिलेगा रासायनिक समीकरण लिखने पर, 2 नंबर मिलेगा कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर।
गर्म करने पर, और गर्म करने के बाद आपको रासायनिक समीकरण भी लिखना है, तब आपको 2 नंबर और मिल जाएगा। या आप नहीं लिखना चाहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीन अभिक्रिया लिख दीजिए, क्लीमेंसन अभिक्रिया लिख दीजिए। ये दोनों अभिक्रिया कई सारे लोगों को याद होगी, तो या तो ये लिख दिए या तो ये लिख दीजिए। तो हम पहला कर रहे हैं, सातवें का खा का पहला कर रहे हैं, फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि। तो पहले आप इसको लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नहीं आता मत लिखिए। फार्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि क्या है? प्रयोगशाला में मेथिल एल्कोहल को जब प्लेटिनम हुआ एस्पेस्टॉस उत्प्रेरक की उपस्थिति में 240 से 250 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीकृत करते हैं, तब हमें फार्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। अभी हमारा 1 नंबर कंप्लीट हुआ, अभी 5 नंबर है ना। अब यहाँ से देखेंगे, ये है, वहाँ पर हमारा 1 हो गया था, या आप डेढ़ डेढ़ मान सकते हैं, डेढ़ डेढ़ दोनों में मिलेगा, डेढ़ वहाँ पर हो गया। रासायनिक समीकरण लिख दिया, 1.5 नंबर यहाँ पर हो गया, 3 नंबर हो गया। अब 1 नंबर मिलेगा क्रियाविधि लिखने पर, कास्टिक, हाँ क्रियाविधि आप जरूर लिखिएगा, ये हम बता दें, क्रियाविधि लिखेंगे पूरे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नहीं तो इसमें नंबर टीचर्स क्या करते हैं, नंबर काट लेते हैं। तो कटना नहीं है आपका नंबर, कटना नहीं चाहते हैं, तो आप इसको क्रियाविधि जरूर लिखिएगा। क्रियाविधि में आप इसका चित्र बना सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसकी क्रियाविधि लिख सकते हैं। कास्टिक सोडा सोडा के साथ क्रिया कराने पर क्या होगा? तो फार्मेल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम फार्मेट प्राप्त होता है, ठीक है, ये इसका समीकरण है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, आपने सातवें का खा भी हल कर लिया, और यहाँ से यही सारे क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में पूछे गए, और लास्ट पेज पर देखेंगे ये सारे इंग्लिश वाले क्वेश्चन हैं, यानी वही क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे गए हैं। इसके बाद कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं बचता है रासायनिक विज्ञान में जिसका हमने हल ना किया हो इस पेपर में। कोर्स था 347 GJ। ओ आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको इसका आंसर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कुछ क्वेश्चन के आंसर देने में थोड़ी हड़बड़ाहट हुई, और क्यों हुई हमने इसको भी आपको बता दिया। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे इसी के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।